हाय फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस। अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर इन 45 मिनट्स। देखो, ट्रेन है जो क्या कर रहा है कि आपको 51 किलोमीटर जो है डिस्टेंस कवर कर रहा है इन 45 मिनट। ओके, मतलब ट्रेन जो है वो 45 मिनट में 51 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर 221 किलोमीटर। तो आपको बताओ 221 किलोमीटर में तो वह ट्रेन कितना टाइम लेगा, कितना टाइम वह लेगा। मीन्स अगर कोई ट्रेन होता है 51 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में 45 मिनट ले रहा है, तो उसे 21 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में वह कितना टाइम लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको निकालना है कि सबसे पहले देखो इक्वल का साइन ऐसे कर देना, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग बस मेथड बताऊंगा। मतलब लॉन्ग का मेथड क्या कि उसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसे रिप्रेजेंट कर सके, मतलब पूरे जो थे डाटा है उसको लिख सकते हो लॉन्गेस्ट फॉर्म में। देखो आपको निकालना है क्या है कि आपको टाइम निकालना है। सबसे पहले ऊपर जो दिया है 45 मिनट लिख दो। ठीक है, 45 मिनट, इसमें शॉर्ट में बता रहा हूँ देन लॉन्ग बताऊंगा। ठीक है, तो देखो 45 हो गया, मींस यहाँ पे 51 है। ठीक है, 51 किलोमीटर। मैं यहाँ 45 क्यों लिखा है, क्योंकि आपको टाइम निकालनी है। तो टाइम निकालना जो निकालना है वह चीज आप जो इक्वल के राइट साइड में लिखना। ठीक है, तो देखो मतलब 51 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ट्रेन को लग रहा है 45 मिनट लग रहा है। ठीक है, तो मान लो ये ज़्यादा के लिए दिया है 51 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए तो 45 मिनट लग रहा है, तो आपको निकालना है एक किलोमीटर के लिए। एक किलोमीटर, अब चेक करो कि देखो कि एक किलोमीटर में आपका ट्रेन जो है कितना डिस्टेंस, एक किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना वो समय, कितना टाइम ले रही है। ठीक है, तो क्या करोगे, एक मतलब ज़्यादा के लिए दिया है और एक के लिए निकालोगे सिंपली क्या करोगे वह डिवाइड करो, मीन्स 45 बाय 51। ठीक है, इतना मिनट जोता है मतलब 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में वो कितना टाइम लेगा, 45 बाय 51 मिनट। ठीक है, देन आपने 1 किलोमीटर के निकाल दिया, लेकिन आपको फाइंड आउट करना है 221 किलोमीटर में वह कितना टाइम लेगी। तो देखो 1 किलोमीटर में इतना टाइम लेगा, तो 221 किलोमीटर में कितना लगेगा, मतलब एक के लिए दिया है, अब आपको एक से ज्यादा के लिए फाइंड आउट करना है। एक के लिए दिया है मींस एक से ज्यादा के लिए, एक से ज्यादा के लिए क्या करोगे मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, 221 किलोमीटर में कितना, 45 बाय 51 इंटू 221। ओके, देन आप इस सॉल्व कर दोगे तो आपका निकल जाएगा आपको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट में आप कैसे लिखोगे, देखो मान लो कि देखो टाइम टेकन बाय ट्रेन। ओके, टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 51 किलोमीटर, कितना लग रहा है 51 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए ट्रेन के द्वारा कितना टाइम लग रहा है, वो आपका 45 मिनट लग रहा है। तो आपने, तो आपको अब क्या करना है, 1 किलोमीटर में देखना है कि 1 किलोमीटर में आपका ट्रेन कितना टाइम ले रहा है, 1 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में आपका ट्रेन जो है कितना टाइम ले रही है। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे फिर टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस, टू कवर डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। तो ज़्यादा के लिए दिया, एक लिखा करो सिंपली 45 बाय 51। ठीक है, इतना मिनट लेगा, तो आपको कितना निकालना है, आपको 221 के लिए निकालना है। ठीक है, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 221 किलोमीटर, कितना
तो एक के लिए दिया है, एक के लिए देखो, एक के लिए 1 किलोमीटर के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो 221 किलोमीटर के लिए कितना टाइम लगा। तो मीन्स आप सिंपली जो होता है ये 45/51 से क्या करें, मल्टीप्लाई कीजिएगा 221 से, ठीक है। तो देखो अब करोगे क्या, देखो 5+1 क्या हुआ 6, और 4+5 मीन्स 9, मतलब 3, 6 और 9 जो है बोथ आर इन द टेबल ऑफ 3, मतलब दोनों के दोनों जो है 3 के टेबल में है, देन 3 से वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इसे 3 से करोगे, देखो 3 एकम 3, तो यह कितना हुआ बचा, यहाँ 2 बचा 21 हुआ, 21 कितना हुआ आपका 7 से, ऐसे भी 17 51 होता, और यह 45 देखो 3 एकम 3, तो 1 बचा 1 और 5 कितना हुआ 15, तो 5 15, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इस 17 को देखो, इस 17 को कैंसिल करोगे, देखो 17 1 जा 17 एक बार में, तो 17 5 22 होता है, 5 हुआ, तो 5 और 1 कितना हुआ 51 होगा, तो 51 हुआ 17 51 मीन्स आपका आया 15 × 13, ठीक है। तो जब आप 15 × 13 का मल्टीप्लाई करोगे, तो देखो शॉर्टकट में कैसे किया जाता है, 15 3 45 अभी सीख लो, 15 3 45 और 15 एकम 15 नीचे 15, तो 5 4 5 9 और 1 195 मीन्स 195 उसे मिनट लगेगा, मतलब जो होता है ट्रेन को 221 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसे 195 मिनट लगेगा। अगर आप चाहते हो इसे हावर्स में कन्वर्ट करना, देन 195 को 60 से डिवाइड कर दो, देन जब 60 से डिवाइड करोगे तो 6 3 18 मतलब 180, तो 5 9 में 60 गया 1 1 कट गया मीन्स जो होता है आपका लगेगा 3 hours, यहाँ पे 3 है तो 3 hours 15 minutes, ओके 3 hours 15 minutes उसे जो होता है 221 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए उसे 3 hours 15 minutes लगेगा या 195 मिनट लेंगे, ओके। प्लीज़ दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है दोस्तों। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।